हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। राजा कंप्यूटर की तरफ से एक और नया वीडियो आ गया है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्सेल शीट का जो डेटा है उसको कॉपी होने से, कट होने से कैसे बचा सकते हैं। कभी कभी हमारा डेटा इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सिर्फ डेटा को दिखाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कोई और अपने डेटा को कॉपी कर ले या फिर कट कर ले। वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक मेरे एक्सेल का फोल्डर खोल लेता हूँ। यहाँ पे कुछ मेरी बनाई हुई एक बेसिक सी फाइल्स हैं, जैसे कि मेरी फर्स्ट फाइल मैं खोलता हूँ। इसके अंदर मेरा कुछ डेटा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये डेटा ना तो कट हो, ना कॉपी हो, ना ही कहीं पे ये डिलीट हो। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमको एक छोटा सा कोड लिखना है। अब मैं नहीं चाहता कि आपको कोडिंग आनी चाहिए या नहीं, सिर्फ मैं इस कोड का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उस कोड को आपको excel.vba में पेस्ट करना है और आपका कॉपी कट डिसेबल हो जाएगा। तो वीडियो को अपन शुरू करते हैं। ये अपना कुछ डेटा है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले दबाना है अल्ट के साथ में F11। उसके बाद में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे खुल जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक। ठीक है, यहाँ पे एक्सेल की कोडिंग होती है। ये एक एडवांस लेवल की सीरीज में बनाऊंगा एक्सेल की, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको बहुत सारी यूजफुल वीडियो इस पे आने वाली है। तो यहाँ पे आप आने के बाद में आप क्या करना है, इधर देखिए VBA प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपकी शीट 1, शीट 2, शीट 3 आ रही है। आपको वर्क दिस बुक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास में एक ब्लैंक पेज खुल जाएगा जहां पे हमारा कोड पेस्ट करने वाले हैं। इसे अपने को लिखना नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। अब हमारे कोड की तरफ हम चलते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और हमारा वापस से ये हमारा फोल्डर खुला हुआ है। तो code.vba मैंने एक मेरा बना रखा है, नोटपैड में मेरा कोड है। यहां से मैं इसे कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे तो सारा कुछ कॉपी हो जाएगा। राइट क्लिक करके इसे करेंगे कॉपी। उसके बाद आएंगे अपन एक्सेल में, अपना VBA जो है विजुअल बेसिक का वर्क ग्रुप खुली हुई है, इसके ऊपर अपने को करना है कंट्रोल के साथ V, मतलब कि पेस्ट। अब ये पेस्ट हो चुका है। उसके बाद आपको क्लिक करना है अल्ट के साथ में Q। इसको डायरेक्ट क्लोज नहीं करना है, यहां से और यहां से आप इसे क्लोज नहीं कर सकते, आपको अल्ट के साथ में Q दबाना है। आपका जो कोड है वो इसके अंदर अप्लाई हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे जाना है होम पे और आपकी फाइल को क्या करना है, सेव एज एक्सेल मैक्रो, या फिर आप जब सेव एज करेंगे तब यहां पे पूछेगा एक्सेल वर्कबुक। आपको सेव का जो टाइप है वो चेंज करना है। यहां पे क्लिक करके आपको जाना है ऊपर ऊपर का सेकंड वाला एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक बार डेस्कटॉप पे आ जाना है और यहां अपनी फाइल का आपको नाम डाल सकते हैं। मैं डाल रहा हूं फर्स्ट VBA विजुअल बेसिक। उसके बाद इसे करना है सेव। अपनी ये फाइल सेव हो गई है, इसे यहां से अपन क्लोज कर देंगे, अपना कोड जो क्लोज कर देंगे, बाहर आ जाएंगे, डेस्कटॉप पे अपनी फाइल आ गई है। दोस्तों VBA फाइल में क्या होता है ना, जब VBA अप्लाई हो जाता है तो उसके ऊपर एक अलग से लोगो दिखाई देता है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, ये देखिए जो अपनी एक्सेल की फाइल है दोस्तों, इसके ऊपर ये लोगो बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सेल की VBA इनेबल्ड फाइल है। उसके बाद हमारी फाइल को खोल लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप फाइल को खोलेंगे ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी वार्निंग, मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये सभी माइक्रोसॉफ्ट में आने वाला है सिक्योरिटी अलर्ट। एक्चुअली क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक हाइड फीचर है, जो कि जब ये इनेबल करते हैं तो ये एक बार ऊपर वार्निंग देता है। तो आपको इस पे क्लिक करना है। मैंने कहां पे क्लिक करा है, ऑप्शंस पे। उसके बाद आपको क्या करना है, इनेबल दिस कंटेंट, उसके बाद करेंगे ओके। तो अपनी शीट के अंदर जो है VBA अप्लाई हो गया है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं जादू, आपको क्या करना है। मान लीजिए मैं इतना डेटा कॉपी करना चाहता हूं, कंट्रोल के साथ सी दबा रहा हूं, देखिए ये कॉपी नहीं हो रहा है, नहीं ये कॉपी नहीं हो रहा है। कंट्रोल के साथ सी दबा रहा हूं, कॉपी नहीं हो रहा है। कंट्रोल के साथ मैं एक्स दबा रहा हूं, ये कट नहीं हो रहा है, मतलब कि अपना VBA काम कर रहा है। और अगर ये कॉपी होता तो ये किस तरह से होता वो मैं आपको बता देता हूं। अपन एक एक्सेल खोल लेते हैं यहां से, ये मैंने खाली वर्कबुक खोली है। अब मैं आपको मेरा डेटा दिखा देता हूं यहां पे, एक सेकंड। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ये अपना देखो फर्स्ट फाइल मैंने खोली है जो कि VBA नहीं है। ठीक है, और VBA कैसे नहीं है, इसके ऊपर VBA इनेबल का लोगो नहीं आ रहा है। तो ये अपन ने खोल रखी है,
यहां से मैं डेटा को करता हूं कॉपी, तो देखिए जब अपन कॉपी करते हैं किसी भी डेटा को तो यहां पे एक ब्लिंक होती हुई लाइन दिखाई देती है अपने को, स्क्वायर में दिख रही होगी आपको, मतलब कि ये कॉपी हो गया है। और अगर मैं बात करता हूं अपने वीजीए प्रोजेक्ट की, तो एक बार मैं से करता हूं पेस्ट, तो यहां पे ये पेस्ट हो रहा है क्योंकि अपन ने वीबीए इनेबल वाली फाइल ओपन नहीं की है। अब मैं बात करता हूं मेरे वीबीए इनेबल वाली फाइल की, तो यहां पे अगर मैं इसे सेलेक्ट करके करता हूं कॉपी, तो ये कॉपी नहीं हो रहा है। अगर आपने वीडियो को इतना तक देखा है तो वीडियो का बोनस यही है कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीबीए का लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी नोटपैड की फाइल आप डाउनलोड कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियो आने वाली है। आज के बाद आपका डेटा कोई कॉपी नहीं कर सकता और कोई कट नहीं कर सकता। और मैं आपको मिलता हूं एक बार नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।